अच्छा ये ऐसे ही छोड़े, मैं लिखा हुआ था पिछली दफ़ा मैंने, सिक्योरिटीज़ में आपको याद होगा क्या क्या आता है, पब्लिक कंपनी के शेयर आते हैं और फिर आगे उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, गवर्नमेंट ने ओन किया हो या किसी ने ओन किया, फिर पब्लिक्स में वॉचर्स ऑफ पाकिस्तान, पीटीसी, मुदारबा सर्टिफिकेट्स, रिडीमेबल डेट सिक्योरिटीज़, फिर डेट सिक्योरिटीज़ के आगे पता नहीं कितनी लंबी डेफिनेशन है, और डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। तो सिक्योरिटीज़ एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसमें बहुत सी चीज़ों का बेचना आ जाता है। Gain on security shall be computed on FIFO methods and if shares are sold on same day then average method will apply. तो जिन हजरात ने ये अगला पेज है, पेज 225 नोट्स का, ये तो किताब में तो वैसे पेज चेंज हो जाएगा, ये पुरानी किताब के नंबर लगे हुए हैं। अच्छा, FIFO और वेटेड एवरेज जो हम सफ़ा पढ़े थे उस अगले बस। तो अगर सिक्योरिटीज उसी दिन खरीद के उसी दिन बेची जाएँ, ये जो जिन हजरात ने इंट्रो नहीं पढ़ी हुई वो इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर जो है वो जब इंट्रो ये पढ़ लेंगे तो इनको ये बात पता चल जाएगी। ओके, कहते हैं इफ सिक्योरिटीज, इफ़ द शेयर्स आर सेल्ड ऑन सेम डेट, अगर शेयर्स सेम डेट को बिके तो एवरेज मेथड अप्लाई होगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो फाइफो अप्लाई होगा। इसकी जो एग्जांपल है ना वो हम फिलहाल नहीं कर रहे, इसकी एग्जांपल लिख लें चैप्टर 19 में करेंगे, लेकिन आप अपने समझने के लिए हल्की सी बात याद रखने के लिए समझ लें ताकि थ्योरी की हद तक ये याद रह जाए। कहते गेन ऑन सिक्योरिटी शैल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ फाइफो मेथड। फाइफो मेथड क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज पहले आई वो पहले बिक गई, जो चीज पहले आई वो, ये जो इंट्रो एफरवान इस पर पढ़े हैं वो लोग पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, तो जो चीज़ पहले आई वो पहले बिक गई। अच्छा, अब बिलफर्ज आपके पास शेयर्स पड़े हुए हैं, कुछ शेयर्स आपने 50 रुपए के खरीदे थे, कुछ शेयर्स आपने 52 के खरीदे थे, सोचे कुछ शेयर्स 50 के खरीदे थे, कुछ 52 के खरीदे थे, अब इनमें से आपने कुछ बेच दिए, अब समझ नहीं आ रही 50 वाले बेचे या 52 वाले बेचे, क्योंकि वो तो शेयर सारे अलमारी में इकट्ठे पड़े थे, तो आपने कुछ शेयर कितने के खरीदे थे? 50 रुपए के, कुछ 52 के, उनमें से चंद बेच दिए 60 रुपए के, अब समझ नहीं आ रहा कि 50 रुपए वाले बेचे हैं या 52 वाले बेचे हैं, बेचे तो 60 रुपए के हैं, सेल प्राइस तो पता है, कॉस्ट पता नहीं चल रही 50 है या 52 है, तो ऐसी सूरत के अंदर रिज्यूम किया जाएगा फाइफो। फाइफो का मतलब जो पहले आए थे वो पहले बिक गए। बहरहाल इसकी एग्जाम्पल करेंगे चैप्टर 19 में जब न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। अगली चीज, लेकिन अगर शेयर सेम डे को बेच दिए जाए, सेम डे को बेचने का क्या मतलब है, सुबह खरीदे 9 बजे 50 रुपए के कुछ शेयर, चुप सुबह 50 रुपए के शेयर कुछ खरीदे 9 बजे, फिर 10 बजे 52 के कुछ शेयर खरीदे, महंगे हो गए थे, 10 बजे 52 के शेयर खरीदे, और 11 बजे वो शेयर 60 रुपए के बेच दिए, तो इसका मतलब है सेम ही डेट पे प्राइस बहुत फ्लक्चुएट कर रही है। तो ऐसी सूरत के अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज नहीं होगा, बल्कि आपको याद है एक मेथड का एक और नाम भी था, वेटेड एवरेज मेथड या एवरेज मेथड, तो फिर एवरेज मेथड यूज होगा। एवरेज का क्या मतलब है? 50 और 52 की एवरेज क्या आएगी? 51, तो समझा जाएगा 50 वाले शेयर बिके, 52 वाले शेयर बिके या 51 वाले शेयर बिके। हाँ, तो अब दो बातें अलग अलग बता दें, अगर तो डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल डिफरेंट है तो फाइफो, और अगर डेट ऑफ परचेज डेट ऑफ सेल अटेंटिव है, अगर डेट ऑफ परचेज डेट ऑफ सेल सेम है तो एवरेज मेथड। अच्छा, फाइफो क्या होता है? 50 वाले खरीदे थे, फिर 52 वाले खरीदे, फिर कई दिनों बाद 60 में बेच दिया, अब कौन से वाले बेचे? जो पहले खरीदे थे, पहले आप समझेंगे जो पहले खरीदे थे, और अगर सुबह 9 बजे खरीदे 50 वाले, फिर 10 बजे खरीदे 52 वाले, और फिर शाम को बेच दिए 60 रुपए के, तो क्या समझा जाएगा कि 50 और 52 वाले नहीं बेचे, दोनों की एवरेज में 51 वाले शायद शेयर थे वो बेच दिए। बहरहाल वेट फॉर द एग्जांपल, क्लियर? ओके, आगे। अच्छा जी, ये अगली चीज जो है वो रहेगी थी हमारी सेक्शन 37A, इसमें कहते हैं कुछ लोगों पे ना सेक्शन 37A लगता ही नहीं है, कुछ लोगों पे सेक्शन 37A, यानी ये लोग अगर
पब्लिक लिस्टेड कंपनी के शेयर खरीद के बेचे ना, तो इन लोगों पे सेक्शन 37A लगता ही नहीं है। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 37A, सेक्शन 37 में लिखे गए बुनियादी असूल शैल नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग पर्संस। ये बस एक लिस्ट ही है, याद कर लें। बैंक पे नहीं लगता, नॉन बैंकिंग कंपनीज कुछ होती हैं। ये जो नॉन बैंकिंग कंपनीज होती है ना, इसकी एक मिसाल हमने पढ़ी हुई है, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसको नॉन बैंकिंग इसलिए कहते हैं कि ये बैंक तो नहीं है, लोगों को आम पर्पस के लिए लोन नहीं देती, खास पर्पस के लिए लोन देती है, तो इसलिए इसको कहा जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, लोगों को फाइनेंस देती है। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन इसकी एक मिसाल पड़ी थी। अच्छा जी, बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, मुदारबा होता है, कुछ बंदों ने पैसे डाले, कुछ बंदों ने सर्विसेज दी, और अ कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट सिक्योरिटीज ऑनली, या कंपनी अगर डेट सिक्योरिटीज बेचे तो इन लोगों पर यह सेक्शन नहीं लगेगा। अच्छा, ये प्लीज़ इससे मिक्स ना कर दीजिएगा, ये मुदारबा सर्टिफिकेट्स यहाँ कुछ और मतलब है और यहाँ मुदारबा कुछ और मतलब है, तो ये समझाने में मुझे 10 मिनट लग जाने कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। लीव इट, ये सवाल ना पूछने बैठ जाइएगा, इधर मुदारबा लिखा हुआ है, इधर मुदारबा सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, तो नहीं नहीं इन चक्रों में मत पड़े। बस ये एक लिस्ट है, मजबूरन आपको इसे क्रैम करना पड़ेगा, अभी अभी याद कर लें बैठे बैठे। बताएं जी, बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, मुदारबा। असल में ना मुदारबा सर्टिफिकेट एक सफ़ा होता है और मुदारबा कोई बिजनेस होता है, इसलिए ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। और अ कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ ओनली कंपनीज अगर क्या बेचे तो ये सेक्शन नहीं लगेगा, कंपनीज अगर क्या बेचते जो तो ये सेक्शन नहीं लगेगा। हाँ, ये बात लिंक होनी चाहिए, कंपनीज अगर डेट सिक्योरिटीज बेचे तो ये सेक्शन नहीं लगेगा, लेकिन कंपनीज अगर पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेच दें तो लगेगा, कंपनीज अगर वाउचर्स और पीटीसी बेच दें तो ये सेक्शन लगेगा। क्लियर? क्या चीज? मैं एक मिनट, एक कंपनी है ना, कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर खरीदे हुए, तो अब वो कंपनी किसी और कंपनी के शेयर खरीद के अगर बेचे कल कला को, तो बिल्कुल ये सेक्शन लगेगा उसके ऊपर। कंपनीज वाउचर्स ऑफ पीटीसी बेचे तो ये सेक्शन कंपनी पे लगेगा, गेन इसी सेक्शन के मुताबिक निकलेगा, लेकिन अगर कंपनी क्या बेचे डेट सिक्योरिटीज तो फिर कंपनीज के ऊपर ये सेक्शन नहीं लगेगा। और बैंक्स के ऊपर तो ये सेक्शन वैसे ही नहीं लगना, यानी बैंक तो इनके लिए कौन से सेक्शन है भाई, इनके लिए सम अदर सेक्शन हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, सम अदर सेक्शंस अप्लाई, फिर कौन सा सेक्शन लगेगा, कम से कम वो हमारे स्कोप में नहीं है। लेकिन हमें पता होना चाहिए ये चीज़ें ऐसी हैं, ये इदारे ऐसे हैं, अगर ये बेच दें तो फिर इन पे ये सेक्शन नहीं लगेगा। ओके, चलिए ये आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़नी है। वॉश सेल, सेल का धोना, सेल को धोना। ये आपका एक पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो होता है आप समझ लें ब्रीफकेस, ब्रीफकेस में आपके पड़े हुए हैं शेयर्स। अब शेयर्स आपके कई कंपनीज के पड़े हुए हैं, कंपनी ए के, कंपनी बी के, सी के, डी के, ई के, एफ के, आपने मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर खरीदे हुए हैं। अच्छा, आपने एक कंपनी के शेयर्स बेचे, कंपनी ए के शेयर्स सोल्ड कर दिए, जब कंपनी ए के शेयर्स आपने बेचे तो आपको आया गेन 70 मिलियन का। अब आप ये सोच रहे हैं कि यार 70 मिलियन के गेन पे मैं टैक्स दूं, 12.5% का रेट पड़ा था, तो 70 मिलियन के गेन पे मैं टैक्स दूं ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, तो मैं क्या करूं, इस टैक्स से कैसे बचूं? तो आपने क्या किया, आपने इस पोर्टफोलियो में नजर मारी, शेयर खंगाले इधर 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 करके, कंपनी बी के भी शेयर आपके पास पड़े हैं ब्रीफ केस में, कंपनी सी के भी पड़े हैं, डी के भी पड़े हैं, ई के भी पड़े हैं, एफ के भी पड़े हैं। जैसे ही आपकी नजर पड़ी ना कंपनी डी के शेयर्स पे, आपने कहा यार ये तो बाजार में अगर मैं बेचूं ना तो इस पे तो मुझे लॉस आता है, ये बाजार में बेचूं इस पे मुझे, हाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं ये मैंने कितने के खरीदे थे आज कितने के बिक रहे हैं, तो आपको अंदाजा लग गया कि यार ये अगर मैं बेचता हूं ना इसमें मुझे लॉस आता है, और आपने बोल्ड स्टेप लिया, आपने कहा यार देखी जाएगी, बेचो यार इनको। आपने कंपनी डी के शेयर्स सोल्ड, बेच दिए, उन पे लॉस आया आपको 50 मिलियन का। आप बता दें हमारी नेट इनकम बची कितनी, 20 मिलियन, और हम टैक्स भी किस पे देंगे, 20 मिलियन पे। अगर तो ये ट्रांजैक्शन ऐसे चलती है तो इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है, खैर है हुकूमत वाले ये लॉस माइनस करने देंगे, आपको 20 मिलियन पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन आपने चंद दिन वेट करके, सारी बातें, जब आपने एक चीज़ सस्ती बेची है तो वो बाजार में सस्ती हो चुकी है,
तो आपने 4-5 दिन बाद जाके दोबारा कंपनी डी के शेयर खरीद के बास्केट में डाल लिया, दोबारा कंपनी डी के शेयर खरीद के। दुनिया बहुत आगे जा रही है, बड़ी बड़ी गेम्स हो रही हैं, तो आपने वो दोबारा 2-4-5 दिन बाद शेयर खरीद के दोबारा बास्केट में चुप करके डाल लिए। अब जब ये डाल लिए आपने तो हुकूमत को इस पर एतराज होगा। अब ये नहीं कहेगा हुकूमत को कैसे पता चलेगा, वो लॉ में हम अज्यूम करेंगे टैक्स पे सच बोलता है। तो आपने जब वो बास्केट में डाले तो हुकूमत को इसका एतराज होगा, हुकूमत कहेगी वो बेचना ही क्या जिसको बाद में खरीद लें। सिमिलरली आप घर में कोई गाड़ी बेचें, 4 दिन बाद वही गाड़ी बाहर लाके खड़ी हो, मैं पागल हो गई, क्यों बेची थी। तो इसको कहते हैं आर्टिफिशियल लॉस रिकॉर्ड करना। कौन सा लॉस रिकॉर्ड करना? आर्टिफिशियल लॉस। आपने अपनी सेल को खुद धो दिया है। सेलें कैसे धुलती हैं? कोई चीज सेल की हुई आप घर में वापस ले आए तो कहा जाएगा सेल को आपने सिरे से ही वॉश कर दिया। तो इस ट्रांजेक्शन पे लॉ मेकर को एतराज नहीं, लेकिन अगर आप कंपनी डी के शेयर महीने के अंदर अंदर, महीने का टाइम दिया लॉ मेकर ने, कंपनी डी के शेयर महीने के अंदर अंदर खरीद लें तो ये जुर्म है, इसके खरीदने की इजाजत नहीं है, आपको नहीं खरीदने चाहिए थे। इसका मतलब है आपका बेचना नियत ही नहीं थी। हो सकता है किसी बंदे ने आपको इन्फॉर्मेशन दी हो यार फिलहाल इनको बेच दो, नुकसान आ रहा है, नुकसान आने की वजह से आप बच जाओगे, आपको कम टैक्स देना पड़ेगा, वो बाद में खरीद लेना। बाद में आपने क्यों खरीदे? अब आप कह रहे होंगे सस्ती चीज इसने क्यों खरीदी, पागल है। बाद में किसी ने बताया होगा कि फ्यूचर में 3-4 महीने में इंशाल्लाह दोबारा इस कंपनी ने ग्रो कर जाना है। वो तो लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस और तुक्कों पे चलते हैं। तो बहरहाल हमारा असूल सादा सा बन गया, शेयर बेचने के बाद 1 महीने तक खरीदने की इजाजत। अगर आपने खरीद लिया महीने के अंदर अंदर तो ये लॉस क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। ये लॉस क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। अब कंक्लूजन क्या बना? नोट, इफ बोले बोले, इफ कंपनी डी कुछ बोले ना शेयर्स आर बोले ना आर बॉट, सोल्ड तो कर दिए उसने, आर बॉट बोले 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 आगे विद इन 1 month ऑफ सेल, देन कौन सा वाला? ई वाला, ए वाला, देन बोले बोले देन लॉस इज नॉट अलाउड। ये लॉस माइनस करने की इजाजत नहीं है। आप फिर आप 70 पे टैक्स देंगे या 70-50 पे? 70 पे। ओके, यू हैव 1 minute टू नोट डाउन, नॉट मोर देन दैट। और ये वॉश सेल है, इसके बाद अगली चीज भी है एक, सो इट इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। उर्दू में मतलब ही समझ आ जाते हैं, सेल करके आपने वॉश कर दी बाद में, यानी दोबारा खरीद लिया। वो अभी आ रही है, वो अगली मिसाल आ रही है। अच्छा एक मिनट, पहले ये कर लें फिर मैं दूसरे को जरा बोल्ड कर देता हूँ। आई होप ये नोट कर लिया होगा, पोर्टफोलियो ब्रीफकेस, इसमें शेयर्स पड़े हैं। चलें जी, पढ़ भी लिया करें घर जाके, साथ साथ याद भी कर लिया करें। इतनी कुर्बानी देते हैं, सुबह सुबह उठते हैं आप लोग, सारे काम कुम छोड़ के कुर्बानी देके आके इधर बैठते हैं, फिर घर जाके पढ़ते नहीं, फिर फायदा नहीं होता। आखिरी 2 रोज देखें खाली पड़ी हैं, कभी आते नहीं हैं। रहने तो बस देख ली एक दोनों काफी। अच्छा जी, तो देखिए नीयत तो हमें बंदे की पता नहीं चल सकती कि इसने बेचे क्यों है। नियत तो बंदा हमें पता नहीं चल सकती किस नियत से बेचे थे। हाँ, इसने नियत तो ये की हुई थी कि मैं बेच रहा हूँ ताकि मुझे लॉस आ जाए और लॉस को मैं इनकम में से माइनस कर लूँ, मुझे कम टैक्स देना पड़े। बहरहाल ये नियत तो हमें इसकी पता नहीं थी, लेकिन बाद में जब इसने खरीदे, दिमाग के अंदर तो नहीं घुसे होते आप किसी के, बाद में इसने खरीदे तो फिर हमने पूछा इसे, यार ये क्या चक्कर है, फिर तूने बेचे क्यों थे, फिर हंसने लग गया। अच्छा जी पढ़ें जी। इफ एन इन्वेस्टर, इन्वेस्टर कौन होता है? जो पैसे इन्वेस्ट करता है बंदा, जो पैसे इन्वेस्ट करता है, इसने इन्वेस्टमेंट की हुई है काफी सारी। इफ एन इन्वेस्टर सस्टेनिंग लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ अ सिक्योरिटी, कंपनी डी के शेयर्स, इफ एन इन्वेस्टर सस्टेन्स अ लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी एंड इन 1 month पीरियड, और कितने अर्से के अंदर अंदर? 1 महीने के अंदर अंदर, ही और इस बीवी बच्चे, कई दफा लोग अपने नाम के शेयर नहीं खरीदते, बीवी बच्चों के नाम के शेयर खरीद लेते हैं। जैसे आजकल फटा पड़ा हुआ है ये जायदाद नवाज शरीफ के नाम है, ये उसके बेटे का नाम है, तो लोग कह रहे हैं दोनों एक ही बात हुई ना, तो वो खरीद ले खुद या उसका कोई बच्चा खरीद ले, इसकी भी इजाजत नहीं है। ही और इज रिलेटेड पार्टी, अब जुर्म पढ़े क्या है, परचेजेस द सेम सिक्योरिटी इन 1 month, ये जुर्म है। और सजा यहाँ नहीं लिखी हुई, सजा ऊपर लिखी हुई है,
सजा ये है, कैपिटल लॉस शेल नॉट बी एडमिसिबल। सजा ऊपर एक दफा लिखती है, तो कैपिटल लॉस माइनस करने की इजाजत। अब आप 70 पे टैक्स देंगे या 70 माइनस 50 पे? और अगर आप 70 माइनस 50 20 मिलियन पे ऑलरेडी टैक्स पे कर आए हैं, तो फिर अभी आपको जो 50 बच गया था उस पर टैक्स दोबारा देना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? दस मेंटेनिंग हिज पोर्टफोलियो। बास्केट में आके नजर मारी महीने बाद तो कंपनी डी के शेयर तो पड़े हुए थे। दस, दस का मतलब क्या था उर्दू में? बिल आखिर। चलो बिल आखिर को लस्ट, चलो ठीक है बिल आखिर। क्या देख रहे हो? अदर सोर्स के नोट्स आए हैं। अच्छा, दस मेंटेनिंग हिज, दामद के आंसू तो नहीं आ रहे, कैपिटल गेन का चैप्टर जा रहा है। अच्छा, दस मेंटेनिंग हिज पोर्टफोलियो, उसने अपना पोर्टफोलियो सेम रखा हुआ है। दस मेंटेनिंग हिज पोर्टफोलियो, उसने पोर्टफोलियो, प्लीज उर्दू में लिख लें ऑनलाइन वाले, प्लीज इसको व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल ना पूछेगा, उर्दू बता दें इसकी दोबारा। दस मेंटेनिंग हिज, उसने अपना पोर्टफोलियो सेम रखा हुआ है। और भी ज्यादा तफसील लिखनी है तो लिख लें, बास्केट में जाके नजर मारा तो कंपनी डी के शेयर उसी तरह पड़े हुए थे, महीने बाद तो जाके नजर मारेंगे तो शेयर उसी तरह पड़े होंगे। पोर्टफोलियो अपना सेम रखा हुआ है, उधर से कह रहे हैं मुझे लॉस आया। किन पे लॉस आया जी? कंपनी डी के, वो तो दोबारा खरीद लिया तूने, बोंगिया मारा बोंगा। अच्छा, आगे आ जाइए, टैक्स स्वैप सेल। पहले मैं टैक्स स्वैप सेल कराऊंगा। ओके, ये जो कंपनी डी है ना, अब मैं एग्जांपल बदल रहा हूँ, ये मेरी एग्जांपल टू है। चलिए डी कंपनी निकाल ही देते हैं, मिसाल से इसको कर देते हैं कंपनी बाटा। कंपनी बाटा, बाटा कंपनी के आपने शेयर्स बेचे। इफ बाटा शेयर्स आर सर्विस के जूते, सर्विस याद रहेगा, या हश पपीज लिख दें, हश पपीज लिख देते हैं। If hush puppies shares are bought within one month, then loss is not allowed. अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई? बेचे किसके? बाटा के। और रीपर्चेस किसके किए? हश पपीज के। तो ये तो कोई जुर्म वाली बात नहीं। लेकिन लॉ मेकर कहते हैं इसमें भी जुर्म है, क्योंकि ये दोनों इंडस्ट्री एक ही है, ये इंडस्ट्री एक ही है। इसका काम भी क्या है? शूज बनाना। इसका काम भी क्या है? शूज बनाना। यहां तक भी इजाजत नहीं है, हालांकि आपके दिल में आ रहा था यार इतनी तो गुंजाइश होनी चाहिए, कोई मसला नहीं, लेकिन कहते हैं यहां तक भी इजाजत नहीं है। इसकी रीजन बहुत जेन्युइन सी है कि कई दफा हुकूमत का कोई ऑर्डर आता है और वो पूरे सेक्टर को ही या उठा देता है या गिरा देता है। मिसाल के तौर पर हुकूमत कह दे कि यार बाहर के मुल्क से सस्ते जूते इंपोर्ट करने की इजाजत है, अब ना सिर्फ बाटा वाले परेशान होंगे बल्कि हश पपीज वाले भी परेशान होंगे। तो कई दफा हुकूमत का एक ऑर्डर आता है, पूरे सेक्टर को या उठा देता है या गिरा देता है। आईकैप का कोई नोटिफिकेशन आ जाए तो सारे सीए के कॉलेज एक दफा परेशान हो जाते हैं। ये नहीं कि आईकैप का नोटिफिकेशन आने से एक कॉलेज परेशान होता है, सारे सीए के कॉलेज परेशान हो जाते हैं। तो इसी तरह अगर दूसरी आप मिसाल लें, हुकूमत का कोई ऑर्डर इनको उठा भी सकता है, उनको गिरा भी सकता है। हुकूमत कह दे जूतों के ऊपर हम 200 रुपए टैक्स माफ करते हैं, अब बाटा वाले भी खुश होंगे, हश पपीज वाले भी खुश होंगे, सारे के सारा सेक्टर खुश हो जाएगा। तो इस वजह से विद इन सेम सेक्टर भी शेयर खरीदने की इजाजत नहीं है। इसका नाम है टैक्स स्वैप सेल। स्वैप, स्वैप का क्या मतलब? आपके पास पहले किसके शेयर थे? बाटा के। स्वैप करके किसके आ गए? हश पपीज के। इसे स्वैप कहते हैं, स्वैप कहते हैं तबादला करने को। तो तबादला कर लिया आपने शेयर्स का, सेम शेयर्स नहीं खरीदे, सेल धोई नहीं बल्कि सेल का तबादला कर लिया। चले नोट कर लें, आप भी इसी तरह कर लें, मैंने भी इसी तरह जिस तरह किया। चलो जल्दी करो यार, अब सिर्फ इतना सा नोट कर लें। इसके ऊपर हेडिंग क्या देंगे? टैक्स स्वैप सेल। चलें जी, छोटा सा लिख लें इसमें आगे, सेक्टर सेम रहा है। सेक्टर का मतलब इंडस्ट्री समझ लें, ये बिजनेस समझ लें, सेक्टर सेम रहा है, इंडस्ट्री सेम रही है, शेयर्स तो बदल गए हैं। क्या चीज? हाँ, इसमें नियत उसकी यही थी ना कि बाटा के खरीद के बाटा के नहीं बेचूंगा ताकि हुकूमत से बच जाऊं, किसी मिलती जुलती कंपनी के खरीद लूंगा।
हाँ वो तो फिर अलग चीज़ें हैं ना, लेकिन लॉ मेकर ने एक इशू तो एड्रेस करना था। हो सकता है आप रिक्वेस्ट करें, वो कहे चलो ठीक है मैं आपको अलाउ कर देता हूँ। रिलेटेड पार्टीज की बात नहीं है ये सेम ही बंदा है, उसके बीवी बच्चे भी खरीदने कोई मसला नहीं, लेकिन ये रिलेटेड पार्टी नहीं है बाटा और हज पपीज, दोनों के अपने अपने सेटअप हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो बात मैंने आपसे पहले बड़ी तफसील से कर दी कि बाटा के शेयर्स आमतौर पर मार्केट में बढ़ते हैं, हज पपीज के भी बढ़ते हैं, हुकूमत का कोई ऑर्डर आता है जिससे सारे सेक्टर को फायदा या नुकसान होता है, तो आप सेक्टर के अंदर सेम रहें। वन मंथ वाली कंडीशन है लेकिन वाजह तौर पर उसने यहाँ लिखी नहीं हुई। इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, अलग गेम होगी। इन्वेस्टर हु रियलाइज द, वो इन्वेस्टर जिसको लॉस आया है डज नॉट रीपरचेज द सेम शेयर, सेम शेयर नहीं बाय करेगा, सेम सिक्योरिटी बाय नहीं करेगा। इन दिस केस ही चूजेस अनदर सिमिलर सिक्योरिटी इन द, सिमिलर और सेम में फर्क होता है उसमें, सेम सेक्टर सिमिलर सिक्योरिटी, क्या मतलब सेम सेक्टर, शूज मैन्युफैक्चरिंग इज सेम सेक्टर लेकिन सिक्योरिटी सेम नहीं है, सिमिलर है, मिलती जुलती, किसी और कंपनी के शेयर आपने खरीदे लेकिन प्लीज सेक्टर सेम रहा है, क्या सेम रहा है, सेक्टर सेम रहा है लेकिन सेक्टर क्या है दोनों का, जूते बनाना। आगे उसने ऐसे ही बस तमहीद बांधने के लिए बात लिख दी है, थ्रू दिस, इसके जरिए ही हैज अवॉइडेड टैक्स, उसने टैक्स क्या करने की कोशिश की है, अवॉइड करने की कोशिश की है, एंड हैज ऑल्सो मेंटेन द पोर्टफोलियो। ना यहां तो आप कह रहे होंगे पोर्टफोलियो कैसे सेम रहा, अगली बात पढ़े जरा, एंड हैज मेंटेन द पोर्टफोलियो एट सेम रिस्क स्लैश रिटर्न, पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न सेम रहा है जो बात मैं आपसे कर रहा था। यानी अगर हुकूमत ये कह दे कि जूतों के ऊपर टैक्स माफ है तो फिर सारी इंडस्ट्री खुश हो जाएगी, सारी इंडस्ट्री का रिटर्न बढ़ जाएगा, और हुकूमत ये कह दे कि बाहर से जूते मंगवाने की इजाजत है तो सारी इंडस्ट्री क्या महसूस करेगी, रिस्क महसूस करेगी। बताएं रिस्क एंड रिटर्न सेम रहा है या सिक्योरिटी सेम रही है, रिस्क एंड रिटर्न सेम रहा, और पिछले में क्या सेम रही थी, सिक्योरिटी सेम रही थी। इस बात को दोबारा पढ़े, आसान सी बात है लेकिन ध्यान में रह जाए। दस थ्रू, सॉरी थ्रू दिस, इसके जरिए उसने टैक्स लाइबिलिटी को क्या कर दिया है, अवॉइड कर दिया है, और मेंटेन रखा है अपना पोर्टफोलियो। हमने कहा नहीं नहीं पोर्टफोलियो तो मेंटेन नहीं है, बास्केट में नजर मारी तो हज पपीज के शेयर पड़े हुए हैं, कहते नहीं नहीं पोर्टफोलियो कैसे मेंटेन रखा है कि मैं बताता हूं, एंड हैज मेंटेन द पोर्टफोलियो एट सेम रिस्क एंड सेम रिवॉर्ड प्रोफाइल, प्रोफाइल से मुराद वही ब्रीफ केस में, ब्रीफ केस में शेयर तो किसी और कंपनी के हैं लेकिन रिस्क ही उसी तरह हैं जिस तरह बाटा के शेयर थे, उसी तरह हज पपीज के शेयर भी रिस्की हैं। अच्छा जी, अगला क्रॉस ट्रेड, ब्रोकरेज हाउस, ब्रोकरेज हाउस नंबर वन, ब्रोकरेज हाउस नंबर टू। ब्रोकरेज हाउस क्या होते हैं, ब्रोकरेज हाउस ये होते हैं कि जिनके पास बड़े बड़े लेवल पे शेयर्स पड़े होते हैं, जिसको आप होलसेल में नहीं कहते, इतने शेयर्स पड़े होते हैं, इनका काम ही शेयर खरीदना बेचना होता है, लोगों के लिए भी खरीदते बेचते हैं, इनके अपने भी शेयर्स होते हैं, अपने भी खरीदे बेचे होते हैं। अच्छा, जैसे प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, कुछ मकान अपने नाम होते हैं, कुछ दूसरों के होते हैं और बेच रहे होते हैं, तो ब्रोकरेज हाउसेस, ब्रोकरेज हाउसेस भी इसी तरह करते हैं। इस ब्रोकरेज हाउस को अपना नजर आ रहा होता है 900 मिलियन का गेन, इस ब्रोकरेज हाउस को नजर आ रहा होता है अपना 700 मिलियन का गेन। अब ये क्या करते हैं, साल का एंड आता है तो ये लोग क्या करते हैं, एक इसको कहते हैं तुम मुझे शेयर वो वाले बेच दो जिन पे लॉस आ रहा हो, और ये भी कहते हैं तुम मुझे शेयर कुछ बेच दो जिन पे लॉस आ रहा हो, तो आपस में एक दूसरे को वो शेयर बेच देते हैं, और जैसे ही साल खत्म होता है लॉस तो वो फिर रिकॉर्ड कर लेंगे ना, एक दूसरे को सिर्फ कौन से शेयर बेचते हैं जिन पे लॉस आ रहा है, एक दूसरे को बेच देते हैं, एक दूसरे को बेच के जब साल खत्म हो जाता है टैक्स टुक्स दे के फारिग हो जाते हैं तो दोबारा एक दूसरे से एज इट इज वही वाले शेयर खरीद लेते हैं, तो इसे कहते हैं, इसको कहते हैं क्रॉस ट्रेड। कौन सी ट्रेड, इसने इसको बेच दिए और इसने शेयर इसको बेच दिए, ये क्रॉस हो गया, तो इट इज कॉल्ड एज क्रॉस ट्रेड, तो इसकी भी इजाजत नहीं है। अपने लॉसेस इतने नहीं होंगे ना, लॉस बेचेंगे तो आएगा ना, और अगर किसी थर्ड पार्टी को बेच दिए इन्होंने तो फिर तो मसला हो जाएगा, वो फिर मानेंगे नहीं वापस बाद में खरीदवाने को, तो ये आपस में पहले गेम करते हैं, आपस में एक दूसरे से तय कराते हैं, और आपस में अक्सर लोग जानने वाले भी होते हैं, तो ये आपस में एक दूसरे से पहले तय करा लेते हैं हम तुम्हें बेच रहे हो भाई हमारी चीज़ वापस, हाँ 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 तेरी चीज़ वापस कर देंगे परेशान ना हो, तो सिर्फ एक दूसरे को वो चीज़ें बेचते हैं जिन पर आर्जी तौर पर क्या रहा हो, बाद में वही अपनी चीज़ वापस किसी से खरीद लेते हैं।
ओके चले जी पढ़ें। वेयर कोऑर्डिनेटेड री शफल, कोऑर्डिनेटेड क्या मतलब, पहले पूरी प्लानिंग होगी, कोऑर्डिनेशन होगी दोनों की। वेयर कोऑर्डिनेटेड री शफल, शफलिंग आपको पता है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होंगे शेयर, बोरियों की बोरियां भर के शेयर बेच रहे होंगे दूसरे को। वेयर कोऑर्डिनेटेड री शफल ऑफ सिक्योरिटीज बिटवीन टू रिलेटेड ब्रोकरेज हाउसेज, टू रिलेटेड, रिलेटेड मीन जानने वाले, टू रिलेटेड ब्रोकरेज हाउसेज। अभी ये वाला छोड़े, वेयर कोऑर्डिनेटेड रीशफल ऑफ सिक्योरिटीज बिटवीन टू रिलेटेड ब्रोकरेज हाउसेज इज अंडरटेकन, इज डन। वेयर कोऑर्डिनेटेड रीशफल इज डन, वेयर कोऑर्डिनेटेड रीशफल इज डन। अबे क्यों कर रहे हो ये कोऑर्डिनेशन, टू आर्टिफिशियली रियलाइज द लॉस, ताकि हम आर्टिफिशियली लॉस रियलाइज कर लें विदाउट सेलिंग द सिक्योरिटीज टू एन, लेकिन ये तीसरे बंदे को नहीं बेचेंगे, क्योंकि अगर तीसरे बंदे को बेच दी तो बाद में उसे खरीदना मुश्किल हो जाने, इसलिए इसने यहाँ एक लॉस लिखा है रिलेटेड, ये जानने वालों के दरमियान ही ट्रांजेक्शन होती है। ये जो मैंने एक चीज काटी है ये तो अब इतनी पॉसिबल नहीं रही, पहले होती थी किसी जमाने में जब लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, कराची स्टॉक एक्सचेंज अलग अलग होती थी, तो तब ये चीज़ पॉसिबल थी कि एक बंदा अपने ही अकाउंट्स के अंदर शेयर ट्रांसफर कर देता था। यानी एक बंदे का लाहौर में भी स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट है और एक बंदे का कराची में भी स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट है, तो लाहौर वाले पे भी कुछ गेन पड़ा हुआ है, कराची वाले में भी कुछ गेन पड़ा हुआ है, तो लाहौर और कराची से ऐसे शेयर्स ट्रांसफर एक दूसरे को कर देता था जिन पे क्या आ जाए, और बाद में साल गुजरने के बाद वापस उसी अकाउंट्स में दोबारा वो ट्रांसफर कर देता था। लेकिन अब ये बात पॉसिबल नहीं रही, तो टू रिलेटेड अकाउंट्स ऑफ सेम पर्सन, ये पॉसिबल भी था लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है, अब दो ब्रोकरेज हाउस ही ऐसा करते हैं। अच्छा जी, तो इस तरह के अल्फाज ज़रा जहन में रख लें कि याद रहे। वॉश सेल क्यों थी पहले, क्योंकि बाटा के बेच के बाटा के खरीद लिए थे तो सेल धुल गई थी। नीचे वाली स्वैप सेल क्यों थी, इसलिए स्वैप सेल थी कि आपने स्वैप किया था, आपने एक शेयर दे के दूसरा शेयर बाय कर लिया था किसी और कंपनी का, लेकिन सेम कंपनी का नहीं, सिमिलर कंपनी का सेम सेक्टर में। और इसको क्रॉस ट्रेड क्यों थी, ये तो बड़ी डायग्राम वाजे शो कर रही है कि क्रॉस ट्रेड हो रही है, उदासी सी हो रही है ना चैप्टर है। अच्छा जी, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज के ऊपर एडवांस टैक्स पे करना। एक बच्चा कह रहा था चैप्टर पे चैप्टर खत्म हो जा रहे हैं, और भाईजान सबर कर लें, जब सैलरी का चैप्टर आया ना तो आपने खुद कहने कब खत्म होगा, खत्म ही नहीं हो रहा। बिजनेस का चैप्टर आने दे, आपने ये कहने खत्म ही नहीं हो रहा। अच्छा जी, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑन कैपिटल गेन, एवरी इन्वेस्टर अदर देन, ये कौन बच जाएंगे फिर, एओपीज और कंपनीज, एओपीज और एवरी इन्वेस्टर अदर देन, यानी एओपीज और कंपनी शैल इलेक्ट्रॉनिकली फाइल अ स्टेटमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑन कैपिटल गेन विद इन 21 डेज आफ्टर द एंड ऑफ एंड विल पे टैक्स। अच्छा, क्वार्टर बता दें साल के, यकम जुलाई 2015 कर लेते हैं, तो ये 30 सितंबर, परेशान क्यों होते हैं बोला करें यार, 31 कभी सही भी बोल देते हैं, 31 दिसंबर 15 बोले बोले आगे, 31 मार्च 16 ना यार, और ये 30 जून 16, साल के कितने क्वार्टर हो गए, 4 क्वार्टर हो गए। हर क्वार्टर का टैक्स आपने जमा करवाना है 21 अक्टूबर को, 21 जनवरी को, 21 अप्रैल को और 21 जुलाई को। आमतौर पे ना लोग साल के बाद एक ही दफ़ा टैक्स जमा कराते हैं, लेकिन जो कौन है कंपनीज और वो इलेक्ट्रॉनिकली ये भी बताएं हमने कितना टैक्स, कितनी इनकम कमाई है, और हर क्वार्टर के 21 दिन में टैक्स जमा करा दें, ताकि कंपनीज का टैक्स हुकूमत के पास ज़रा जल्दी पहुंच जाए, इसी मकसद है और कोई नहीं। पढ़ें ज़रा दोबारा, ऐसा हो सकता है ना आपने इस क्वार्टर में भी कुछ शेयर बेचे हों, कुछ इस क्वार्टर में शेयर बेचे हों, फिर कुछ, तो जो शेयर इस क्वार्टर में बेचे हैं उनका टैक्स 3 महीने ख़त्म होने के बाद जो 21 दिन आए उन 21 दिनों के अंदर अंदर जमा करवा दें। ये कौन सी तारीख बन जाएगी आपके समझने के लिए लिखा हूँ, 21 अक्टूबर। अब जरा पढ़ें, समझ आ रही है,
एवरी इन्वेस्टर देन शेल इलेक्ट्रॉनिकली फाइल आ इलेक्ट्रॉनिकली एक स्टेटमेंट जमा कराएगा। किस चीज की स्टेटमेंट ऑफ एडवांस टैक्स? क्यों बोला जा रहा है इसको? साल खत्म हो गया टैक्स जमा करा रहा है या साल के दौरान ही मांग लिया है? साल के दौरान ही टैक्स मांग लिया। आमतौर पर तो टैक्स कब मांगा जाता है? साल खत्म होने के बाद। लेकिन इनसे साल के दौरान ही एडवांस में मांग लिया। एडवांस टैक्स जमा करवाएंगे ऑन कैपिटल गेन विद इन विद इन विद इन विद इन 21 डेज। किन 21 डेज? आफ्टर द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। साल में चार क्वार्टर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी जमा करवाएंगे कि हमने क्या क्या कमाया, और इसके साथ एक और चीज करेंगे, ही विल पे द। तो दो काम करेंगे, अंडरलाइन शेल ई फाइल अ स्टेटमेंट नंबर वन और नंबर टू एंड विल पे द टैक्स। शेल ई फाइल स्टेटमेंट पहला काम है और शेल पे द टैक्स दूसरा काम है। इफ द सोल बिजनेस ऑफ अ कंपनी इज टू मैनेज इट्स शेयर्स, लिख लें। इफ द सोल बिजनेस ऑफ अ कंपनी इज टू मैनेज इट्स शेयर्स, अगर एक बंदे का काम ही शेयर खरीदना बेचना है ऑफ डिफरेंट सब्सिडरी। सब्सिडरी कौन सी होती है वैसे? जिसके आपने 50% से ज्यादा शेयर खरीदे हों, वो क्या बन जाती है? हमारी सब्सिडरी। इफ सोल बिजनेस ऑफ अ कंपनी इज टू मैनेज इट्स शेयर्स इन डिफरेंट सब्सिडरीज, देन इनकम ऑफ अ कंपनी वुड बी डिविडेंड इनकम। फिर हर साल इसको प्रॉफिट आता होगा, और जब ये शेयर बेचती होगी तो क्या आता होगा? सच इनकम वुड बी चार्जेबल इन दैट इनकम फ्रॉम, जिसका काम, जिस कंपनी का काम ही, जिस कंपनी के लिए ये प्रोविजन सिर्फ, जिस कंपनी का काम ही शेयर खरीद के बेचना है, उसकी मेन इनकम दो होंगी, या तो साल के एंड पे डिविडेंड आता होगा या साल के एंड पे उनको। तो ये जो कंपनी है, इस कंपनी की सारी इनकम ही कहां गिर जाएगी? बोले इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर। इन्वेस्टमेंट कंपनीज कहते हैं इनको, इन्वेस्टमेंट कंपनीज अक्सर नाम बोला जाता है। ये इनका काम ही शेयर्स खरीद के बेचना होता है। हाँ सकते हैं। ओके चलें जी, इट्स ओवर। अब वो भाई एक नोट्स बांटे, कैपिटल गेन की एक छोटी सी एग्जांपल मैंने नोट्स में डाली हुई है, तो वो इनको करवानी है। एक हमारा पॉइंट रहता है ना, दो तीन लाइनें रहती हैं, वो निकाल लें, वो करते हैं। EOP और कंपनी। एवरी इन्वेस्टर अदर देन इंडिविजुअल का मतलब क्या था? EOP और कंपनी की बात हो रही है। नहीं, उधर ही रखो, उधर ही रखो। एक्स्ट्रा लेने आखिरी पेज निकालें। अच्छा, अभी ऑनलाइन के अंदर एक सफा अपलोड हुआ है इस नाम से अलग से, जिसमें ये आपको एग्जांपल आ रही होगी कैपिटल गेन की। ये बुक में अवेलेबल नहीं है एग्जांपल। चलें जी, इस एग्जांपल को पढ़ना शुरू करें। ये एक सिनेरियो है जो हमने अभी तक छोड़ा हुआ था कैपिटल गेन के चैप्टर के अंदर, वो भी मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे था। ये दो तीन लाइनें थी 4A में। 4A की पहले एग्जांपल रिवाइज कर लेते हैं, वो जो उसने की थी वाले साहब वाली, याद होगा आपको। मिस्टर उमर रिसीव ज्वेलरी एज गिफ्ट फ्रॉम हिज, उमर ने अबू से ज्वेलरी लिया एज अ गिफ्ट। ज्वेलरी वॉज परचेज बाय फादर फॉर रुपीज। अबू ने कब कितने की खरीदी थी? 10,000 की। फेयर वैल्यू ऑफ द ज्वेलरी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर वॉज, जब बेटे को दी ज्वेलरी कितने की थी, और उमर ने आगे कितने की बेच दी? 15,000 की। अब मैंने आपको क्या कहा था, इसमें देखिए दो बंदे हैं, एक वाले साहब है एक बेटा है। सबसे पहले किसने खरीदा होगा? भाई इधर देखो, इस वक्त सबसे पहले किसने खरीदा होगा? वाले साहब ने। कितने की? इसको इग्नोर करें, वाले साहब ने कितने की थी इसको छोड़ें। जब बेटे को मिली उस दिन कितने की थी बाजार में?
12,000 की। बेटे ने कितने की बेची? अब पहला और सादा सवाल तो सारे बंदे जवाब दे देंगे, बेटे ने कितने की बेची? 15 की। बेटे का गेन निकाल रहा हूं, बेटे ने कितने की बेची? बेटे ने खरीदी कितने की? 0 रुपए की। लेकिन ज्यूम किया जाएगा बेटे ने फेयर वैल्यू में खरीदी, क्लियर। लेकिन इस रूल की एक एक्सेप्शन है जो 2-3 लाइनों में दी हुई है, वो एक्सेप्शन मैंने अलग से जो एक सफा अपलोड किया है 37(4)A के नाम से, उसके अंदर मैंने डाल दी है। तो वो देख लें जी, ये क्या है, एग्जाम्पल दोबारा करते हैं। एग्जाम्पल ये वाली पढ़ें जी, नॉट इन बुक, ये बुक में नहीं है, तो ये आपको नोट ही करनी पड़ेगी घर में, ये डाउनलोड कर लें। मिस्टर उमर रिसीव ज्वेलरी एज गिफ्ट फ्रॉम हिज फादर। एग्जाम्पल मैंने वही रखी है, ज्वेलरी वॉज परचेज, थोड़ी सी फिगर्स बदली हैं। ज्वेलरी वॉज परचेज बाय हिज फादर फॉर रुपीज 1 लाख इन 2012। 2012 में अबू ने कितने की ज्वेलरी खरीदी थी बच्चों? 1 लाख की। फेयर वैल्यू ऑफ द ज्वेलरी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, बोले इन 2018 वॉज, तो काफी साल गुजर गए, 6-7 साल अबू ने ज्वेलरी अपने पास रखी थी तिजोरी में, और 2018 में उमर को बुला के कहा, उमर यार ये तू रख ले यार, उमर तेरे लिए जेवर। अबू मेरे लिए जेवर? हाँ उमर तू रख ले यार। फेयर वैल्यू ऑफ द ज्वेलरी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर इन 2018 वॉज, एंड उमर सोल्ड द ज्वेलरी फॉर 3 लाख आफ्टर 5 मंथ्स। और उमर ने 5 महीने के बाद ज्वेलरी कितने की बेची? 3,30,000 की। तो अब बता दें, जो उस दिन हमने डिस्कशन की थी उसके मुताबिक आप मुझे बता दें कि गेन कैसे निकलेगा। जी गेन कैसे निकलेगा जी? उमर ने कितने की बेची? रिक्वायरमेंट नहीं पढ़नी अभी आपने। और उमर को जिस दिन मिली उस दिन बाजार में कितने की थी? 3 लाख की। तो गेन कितना आ गया? बाकी आपको वो 75% से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 5 मंथ्स के अंदर बेची है, क्लियर। इट्स ओवर नाउ। अच्छा अब ना इसमें कई दफा ना ऐसा होता था कि लोगों की इंटेंशन में गड़बड़ होती थी, इसमें कई दफा ऐसा होता था लोगों की इंटेंशन में गड़बड़ होती थी, तो लॉ मेकर ने जरा इस चीज को पकड़ने की कोशिश की, लोगों की इंटेंशन में क्या गड़बड़ होती थी वो जरा सुन लीजिएगा, लेकिन जितनी बात करूं उससे आगे फिर हमें जाने की जरूरत नहीं। अब्बू सोच रहे थे मैं खुद बेचूं ज्वेलरी, लेकिन अब्बू ने कहा मैंने 1,00,000 रुपए की खरीदी हुई है, मैं अगर बेच भी दूं तो फर्ज करें जब 5 महीने बाद बेटे ने बेची उसी वक्त अब्बू की भी बेचने की नीयत थी, तो अगर मैं बेच भी दूं तो मैं 1,00,000 वाली बेचूंगा 3,30,000 की, तो जब मैं 1,00,000 वाली 3,30,000 की बेचूंगा तो मैं तो गया 2,30,000 मेरा गेन आ जाएगा। तो अब्बू ने कहा यार ये नहीं। तो अब लॉ में ना लूप होल्स होते हैं, लॉ में एरर्स होती हैं, गलतियां होती हैं, लॉ मेकर को नहीं पता होता लोग कितने लेवल का सोच रहे होते हैं, ठीक है। तो लोग इस तरह की लूप होल्स लॉ में से निकालते हैं और फिर उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और ये जो मैं आपको लाइन पढ़ा रहा हूँ ये इस दफ़ा नहीं आई है लॉ में, ये पिछले साल तक नहीं थी, ये गेम जो लोग कर रहे थे लॉ मेकर को पता नहीं चल रही थी कि अब्बू क्या करना। अब अबू ने क्या गेम डाल, सॉरी साहब ने क्या गेम डाली उमर के डैड ने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लॉ की प्रोविजंस को गौर से पढ़ा, उन्होंने कहा एक तरीके से टैक्स बच सकता है। उन्होंने उमर को बुला के कहा उमर मैं तुझे गिफ्ट कर रहा हूँ ज्वेलरी, और कान में कह दिया तूने बेच भी देनी है। तो अब उमर को, हालांकि ये कहना तो सही नहीं है, वो आगे उमर को गिफ्ट कर दिया उसकी मर्जी है, और उमर ने फिर अब्बू के कहने पे उसको, अब यार अगर ये कमिश्नर को पता चल जाता है, कमिश्नर को कैसे पता चलेगा, कम से कम ये मैं इस क्लास में बैठ कर नहीं बता सकता, अगर ऑडिट करते हुए या कुछ करते हुए कमिश्नर को किसी भी तरह से पता चल जाए, कोई फोन लीक हो जाए, कुछ मसला हो जाए, किसी तरह कमिश्नर को जब आप पता चल जाए तो कमिश्नर आपको पकड़ लेगा और पकड़ के उमर को कहेगा चाचा उमर आजा, तूने जो ज्वेलरी बेची है वो 3,30,000 की तूने बेची है, लेकिन खरीदी तूने 1,00,000 की थी। वो जो मैं चीज़ आपको इग्नोर कर रहा था कि इसको पिक नहीं करना, फिर उसे आप उठाना पड़ेगा। और व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फादर? 1,00,000। अब आप 3,00,000 को इग्नोर कर देंगे सवाल में, ये किस दिन की फेयर वैल्यू है? जिस दिन उमर को मिली। लेकिन अगर लॉ मेकर ये साबित कर दे कि वालिद और बेटा मिले हुए थे, अगर लॉ मेकर ये साबित कर दे वालिद और बेटा मिले हुए थे, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर जरा सोचें, फिर वालिद और बेटा मिले हुए थे तो फिर वालिद ने कितने की खरीदी थी और उमर ने कितने की बेची? तो मिले हुए हैं दोनों, बस वालिद ने फिर 1,00,000 की खरीदी है, बेटे से जानबूझ के बिकवाई है 3,30,000 की, बेटे से बिकवाई है सिर्फ, बेटे को गिफ्ट करना नियत नहीं थी, लॉ मेकर ये समझ रहा है चीज को। तो फिर ऐसी सूरत में आप बताएं गेन शूट अप कर गया कहां पे चला जाएगा? 2,30,000। अब ये पेपर में पता कैसे चलेगा, हमने कैसे सॉल्व करना है पेपर में ना, आपने कभी नहीं समझना वालिद और बेटा मिलेंगे आपस में,
पेपर में कभी नहीं आपने समझना वालिद बेटा मिलेंगे, हमारी तो सोच भी नहीं जा सकती ना ऐसी बात में, कोई गेम करनी हो वालिद और बेटा मिल जाए आपस में, अनलेस सवाल कह दे कि वालिद और बेटा आपस में मिल गए हैं। जरा रिक्वायरमेंट पढ़े, कैलकुलेट गेन लॉस अज्यूमिंग कमिश्नर हैज नॉट ट्रीटेड सच गिफ्ट अरेंजमेंट एज अ पार्ट ऑफ, कमिश्नर ने इसको टैक्स अवॉइडेंस नहीं समझा, यानी वालिद और बेटा अच्छे हैं, इंग्लिश पे फोकस करें बार बार, कैलकुलेट गेन लॉस अज्यूमिंग कमिश्नर हैज नॉट ट्रीटेड गिफ्ट अ टैक्स अवॉइडेंस स्कीम, टैक्स अवॉइड करने की स्कीम बना रहे हैं बेटा और अब्बू, कमिश्नर कहते हैं नहीं 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 ऐसी बात नहीं अच्छे बच्चे हैं, फिर ऐसी सूरत में तो मैं पुराने तरीके से गेन हमारा अलग से कैलकुलेट होगा, पुराना तरीका क्या था 3,30,000 माइनस 3,00,000, लेकिन अगर कमिश्नर को शक हो जाए या कमिश्नर साबित कर दे कि मिले हुए थे तो फिर क्या करेंगे, द कमिश्नर हैज ट्रीटेड सच गिफ्ट अरेंजमेंट एज अ पार्ट ऑफ, कमिश्नर ने समझ लिया कि ये टैक्स अवॉइडेंस हुई है तो क्या करें फिर, तो वो कहते हैं तुम लोग टैक्स अवॉइड करना चाह रहे हो, हैज अज्यूम्ड सच गिफ्ट एज टैक्स अवॉइडेंस, कमिश्नर को पता चल गया कि आप टैक्स अवॉइड करना चाह रहे हैं, वो आपको टैक्स अवॉइड नहीं करने देगा, अब क्या करेगा बोले, 3,30,000 में से 1,00,000 माइनस करवा देगा और आपको क्या कहेगा कितने पे टैक्स दो, 2,30,000 में। तो वो चीज जो मैंने लास्ट क्लास में क्या कही थी इग्नोर करनी है, फादर की कॉस्ट, वो कब ली जाएगी, इंग्लिश बोले वो कब ली जाएगी, यहां व्हेन कमिश्नर हैज ट्रीटेड द गिफ्ट अरेंजमेंट अ पार्ट ऑफ, अगर कमिश्नर कह दे कि अवॉइडेंस स्कीम में दोनों मिले हुए थे आपस में तो फिर आप वो फादर वाली कास्ट मजबूरन आपको लेनी पड़ेगी जिससे इग्नोर करने का था। लेकिन अगला सवाल मेरा उसी जगह है कि अगर सवाल में इन दोनों में से कोई लाइन भी ना लिखी हो, सिंपल सवाल में लिखा होता कैलकुलेट गेन लॉस, वो भाई बेटा और अब्बू नहीं मिलते, इस तरह के दो नंबरियां नहीं होती, फिर हम रिज्यूम करेंगे नॉर्मल तरीके से टैक्स निकालेंगे, क्लियर, जैसे कि क्लास में भी सवाल कराया था वो जो भी सफ़े पे दिखाया था उसमें कोई ऐसी लाइन नहीं लिखी हुई थी, तो नॉर्मल तरीके से गेन लॉस निकालेंगे, तो ये नॉर्मल तरीके है और ये एबनॉर्मल तरीके, इसमें हमेशा सवाल बताएगा क्या करना है, जरा इंग्लिश पढ़ लें, इंग्लिश पढ़ लें, कितने महीने में बेचा इसने, 5 months में, however commissioner may treat such gift arrangement a part of, commissioner इसको क्या समझ सकता है, ये तो आपके नोट्स में अवेलेबल है ना, ये लाइन तो मैं यहाँ वैसे अपने समझने के लिए लिख दी है जरा आसानी के लिए, ये तो आपकी बुक में अवेलेबल है कल परसों जो मैंने करानी थी, however commissioner may treat, तो however commissioner may treat such gift arrangement as a part of, in case may treat का क्या मतलब है, ये कोई पक्का ठका रूल है या अगर उसका दिल चाहा, अगर उसका दिल चाहा, जरूरी नहीं है कि उनको हजफा ही पकड़े, however commissioner may treat such gift arrangement as a part of, in case the capital asset acquired through gift is disposed of within, अगर बाप बेटा मिल भी जाएं और 2 साल बाद बेच दें, खैर है 2 साल नहीं बेचना बस, 2 साल अगर बाप बेटा मिली भगत करके 2 साल बाद बेच दें तो खैर है कोई, मतलब 2 साल में पता नहीं क्या क्या कहानियां बदल जाती हैं, प्राइसेस में कितना डिफरेंस आ जाता है, बाप बेटा अगर मिल जाए तो कितने साल के अंदर अंदर नहीं बेचना, तो ये तो कितने महीने के अंदर बेच दिया था इसने, 5 महीने के अंदर बेच दिया था, तो ये गेम डालनी है तो कितने साल में नियत करने के बाद डालनी है गेम, दोस्त गिफ्ट देने के बाद 2 साल के अंदर अंदर बेचना है, और गिफ्ट देने के 3 साल बाद बेचा और मिले भी हुए थे तो फिर कोई हर्ज नहीं, फिर नॉर्मल तरीके से गेम निकलेगा। 1 मिनट, इन दैट सिनेरियो अगर 2 साल के अंदर अंदर बेच दिया, इन दैट सिनेरियो देख लें आप करना कैसे, सजा सुन लें, इन दैट सिनेरियो जुर्म क्या है, डिस्पोज्ड विद इन 2 years, ये जुर्म है, सजा इन दैट सिनेरियो ट्रांसफरी, ट्रांसफरी कौन है, अबू या बेटा, बेटा ट्रांसफरी, ट्रांसफरर तो अबू है ना, ट्रांसफरी बेटा, अब अक्सर आपने सुना होगा डोनर डोनी, डोनी कौन होता है जो ब्लड ले रहा होता है, डोनर जो दे रहा होता है, ट्रांसफरी जिसको शेयर मिल रहे हैं, इन दैट केस नहीं साथ वाले होना डोनी क्या बोलो, इन दैट केस सिनेरियो ट्रांसफर शैल बी ट्रीटेड टू, सॉरी ट्रांसफरी शैल बी ट्रीटेड टू हैव एक्वायर्ड द एसेट फॉर अ कॉस्ट इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरर इंस्टेड ऑफ फेयर वैल्यू, नहीं फिर ली जाएगी बल्कि क्या ली जाएगी, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरर, कैन यू टेल मी व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरर इन दिस सिनेरियो व्हिच वी अवॉइडेड इन लास्ट क्लास, इसको तो अवॉइड किया था वाले साहब वाले, मैंने लिखा था इग्नोर लिखते हैं इसके ऊपर, वाले साहब की कॉस्ट इग्नोर कर दें, लेकिन वाले साहब की कॉस्ट कब रेलिवेंट हो जाएगी, नहीं नहीं पूरी बात करें, जब 2 साल के अंदर गिफ्ट के बाद शेयर बिक जाए और कमिश्नर मे ट्रीट सच गिफ्ट अरेंजमेंट एज अ पार्ट ऑफ टैक्स अवॉइडेंस, 2 साल के अंदर अंदर बिके और कमिश्नर को शक हो जाए कि ये लोग टैक्स अवॉइड करना चाह रहे थे, लेकिन अगर कमिश्नर को आप जाके साबित कर दे नहीं यार हमने तो जेन्युइन गिफ्ट दिया था, और गिफ्ट देते हुए हमने अपने यार हमारे तो सोच भी नहीं यहाँ तक जा सकती थी, कमिश्नर जहाँ तक सोच रहे हैं हमने नॉर्मल गिफ्ट दिया था, कमिश्नर कहकर चले फिर खैर है, फिर आपके लिए सदा वाला फॉर्मूला है, तो ये नया जो फॉर्मूला है तिल वाला, इसको जरा आपने जहन में रखना है, ऑर्डरिंग में।
हाँ कर सकते हो आप उसमें को, ये भाई कह रहे हैं कि कॉस्ट 2012 वाली ले रहे हैं तो 75% से मल्टीप्लाई कर दें, वो कर दें आपको हर्ज नहीं, उसमें कर दो मल्टीप्लाई, इसमें ये वाला बेनिफिट इनको दे दो, यू कैन, ये मैं सोल्यूशन अपलोड करते हुए भी कर दूंगा, ठीक है ओके। तो ये सफल लॉ में प्रोविजन आई थी, तो होता तो बहुत कुछ है लेकिन लॉ में जितना है जिसने एड्रेस किया उतना हम आपसे बने। तो ये जो सोल्यूशन है ठीक है, भाई कह रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय 75% कर देते हैं, कितना जवाब आ रहा है, कितना 1,500। अच्छा ये याद रखिएगा यार, ए और बी दोनों के साथ लिख लें, इट इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम कैपिटल गेन, हाँ हाँ गेन और लॉस मांगे 75% मल्टीप्लाई करें। अच्छा अगली बात यार, प्रॉपर्टी के चैप्टर में आए। अच्छा ये कैपिटल गेन के ना आप न्यूमेरिकल वगैरह कोई ऐसे खास नहीं है, ये हम चैप्टर 19 में कर लेंगे, ये पास पेपर जरा कैपिटल गेन की नजर मारें, क्वेश्चन 2 तो हो गया था ना, अच्छा अब आप अगर क्वेश्चंस करना चाहें तो इट्स अप टू यू, क्वेश्चन 4 टिक करें आप कर सकते हैं, डीएचए में प्लॉट बेचा है, पेंटिंग बेची है, ज्वेलरी बेची है, एनी प्रॉब्लम, मसला तो नहीं होगा, आगे चलें। क्वेश्चन 6 का पार्ट है आप नहीं कर सकते क्योंकि वो एम्प्लॉई शेयर स्कीम है, पार्ट बी भी नहीं कर सकते इसका, ये भी न्यूमेरिकल है, छोड़ें इसको क्वेश्चन 6 को। क्वेश्चन 7 एक इनकम और प्रॉपर्टी का सवाल भी करने वाला रहता है, चलें वो कल देख लेंगे फिर, क्वेश्चन 7 कर लेते हैं जी, टेस्ट तो आज है ना बताया हुआ चैप्टर 4 के। और क्वेश्चन 7, आशिक हैज 5,000 शेयर्स इन रूमी प्राइवेट लिमिटेड, आशिक ने 5,000 शेयर खरीदे हैं रूमी प्राइवेट लिमिटेड के, तो 52% ऑफ द शेयर्स ऑफ रूमी प्राइवेट आर हेल्ड बाय डेल्टा पीएलसी, डेल्टा पीएलसी कोई कंपनी है, 52% शेयर्स आर हेल्ड बाय डेल्टा पीएलसी व्हिच इज ओन्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, बता दें ये समझ आ गई होगी बात की आपको। सवाल आगे नहीं पढ़े देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं, हद होगी। अच्छा जी कितने लोग इतनी एक्सपेक्टेशन ना डेवलप किया करें, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम कैपिटल गेन मैंने निकालनी है, अरेंजमेंट बता दें क्या है, रूमी, ये क्या है, रूमी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, मोबाइल है किसी का, रूमी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है और इसके 52% ऑफ शेयर्स आर हेल्ड बाय, बोलें 52% ऑफ शेयर्स आर हेल्ड बाय, बोलें डेल्टा पीएलसी, इसके 52% शेयर्स किसने खरीदे हुए हैं जी, डेल्टा पीएलसी ने, जी हजरात डेल्टा ने इसके कितने परसेंट शेयर खरीदे हुए हैं, 52% विच इज ओन्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, अब ओन्ड से मुराद 100% ही लेंगे और तो कुछ लिखा नहीं हुआ, फुली ओन्ड और क्या करें, तो विच इज ओन्ड बाय बोलें ब्रिटिश गवर्नमेंट 100%। इस सारे पॉइंट की रोशनी में बता दें रूमी प्राइवेट लिमिटेड क्या है, सॉरी यार ये यार बताया करो भाई, नहीं ये तो आप बाद में क्यों बता रहे हो, दिखते रहा करो, तो इस सारे पॉइंट की रोशनी में बता दें कि रूमी क्या है, पब्लिक है प्राइवेट है, पब्लिक है, वाई ऐसी कंपनी जिसमें कोई और कंपनी 50 या उससे ऊपर शेयर खरीद ले और उस कंपनी को 100% फॉरेन गवर्नमेंट ने ओन किया हो, तो ये नीचे वाली कंपनी क्या बन जाती है, पब्लिक, इस पब्लिक कंपनी में 52% डेल्टा ने खरीदे हुए, तो 5,000 हमारे जैसे गरीब आशिक ने भी खरीदे हुए हैं, 5,000 कोई 5,000 शेयर कुछ भी नहीं होते कंपनी में, कुछ शायद 1-2% हो, 1-2% भी शायद ना हो, 52% डेल्टा ने खरीदे हुए हैं और कुछ 4-5,000 शेयर किसने खरीदे हुए हैं, आशिक ने, ओके हाँ यार नहीं लिखा हुआ डेल्टा फॉरेन कंपनी है, बिल्कुल आपने जनरल सवाल किया, अजम्पशन ले लेना पेपर में और क्या करें, अब इसी तरफ टेस्ट करना चाह रहा होगा ना, ओके आशिक इनहेरिटेड दिस शेयर्स फ्रॉम डैड ऑन 1 जनवरी 2021, आशिक कब्बू ने ये शेयर दिए थे, हिज फादर हैड परचेज दिस शेयर्स ऑन 31 मई 2019 एट प्राइस ऑफ, और भाई फादर की प्राइस इग्नोर करते हैं, ये जो भी मैंने आपको सवाल कराया ना वो तो बड़ा ही अजीब सा कोई सिनेरियो था, इसको छोड़ें, वो सवाल में कहीं नहीं अभी लिखा हुआ कि फादर और बेटा मिले हुए हैं, तो बस इसको छोड़ें, ये किसकी कॉस्ट है, फादर की कॉस्ट है, ये किसकी कॉस्ट है, द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस वाज
आप बताएं जी बेटे को कितने के पड़े, वैसे तो सिफर रुपए के पड़े लेकिन बेटे के लिए कॉस्ट क्या ली जाएगी? ऑन 30 जून 2022 आशिक बेच रहे हो शेयर? आशिक ने कहा हाँ मैं बेच रहा हूँ। आशिक सारे बेच रहे हो? नहीं नहीं यार मैं आधे शेयर बेच रहा हूँ। आपने देखा साथ वाले को आधे शेयर्स? साथ वाले ने कहा पाई उतरे 5,000 खरीदे। हाँ 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 अच्छा जी तो आशिक ने कितने शेयर बेच दिए? आधे मिले कितने थे? 5,000 इन रूमी प्राइवेट लिमिटेड प्राइस ऑफ। अरे आशिक तेरे मजे लगे हैं यार, कितने ज्यादा मजे लगे। 300 वाली चीज कितने में बेच दी? 325 में। When the breakup value of RPL was 350 per share. अच्छा ये कंपनी ना हमारे लॉ की नजर में पब्लिक है लेकिन वैसे ये कंपनी कंपनी लॉ में इसे कंपनी को क्या कहते हैं? हमारे लॉ की नजर में तो शायद इसलिए पब्लिक है ना कि फॉरेन गवर्नमेंट ने और वो सारी लंबी कहानी चल रही है। तो वैसे जो आमतौर पे आपको पता है जो प्राइवेट कंपनीज होती है ना उनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में नहीं बिक रहे होते। एक बात जरा गौर से सुनिएगा, बड़ी गौर से। ये जो प्राइवेट कंपनीज होती है ना इनके शेयर बाजार में बिक नहीं रहे होते तो प्राइवेट कंपनीज के शेयर्स की फेयर वैल्यू नहीं इतनी आसानी से पता होती। तो प्राइवेट कंपनी की शेयर की फेयर वैल्यू के लिए वो लफ्ज़ यूज़ करता है ब्रेकअप वैल्यू। अगर आज कंपनी ब्रेक हो जाए तो क्या मिलेगा हमें, इसको कहते हैं ब्रेकअप वैल्यू या फेयर वैल्यू। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स की फेयर वैल्यू निकालना क्यों मुश्किल है? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं हो रहे। हमारे लॉ की नज़र में तो ये पब्लिक है मैंने माना लेकिन असल में तो है तो प्राइवेट ही ना ये कंपनी, कंपनी लॉ वालों की नज़र में। तो इसलिए मोहतरम ब्रेकअप वैल्यू की जगह आप अपने समझने के लिए लिख लें फेयर वैल्यू। वैसे फेयर वैल्यू शेयर की गिवन होती है हमें, अगर ये कंपनी क्या होती स्टॉक एक्सचेंज वगैरह की कंपनी होती तो शायद हमें फेयर वैल्यू भी गिवन होती लेकिन फेयर वैल्यू की जगह इसने कौन सी वैल्यू दे दी? ब्रेकअप वैल्यू। यार अभी जो परसों तरसों मिसाल की थी अब्बू और बेटे वाली तो उसमें तो तीन चीज़ें दी हुई थी, आज चार चीज़ें दी हुई हैं 250, 300, 325, 350 हमारा दिमाग और उसकी दही। तो आज चार चीज़ें दी हुई हैं, उस दिन कितनी चीज़ें दी हुई थी? तीन चीज़ें दी हुई थी भाई, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। एक चीज़ असल में मैंने आपको अगले किसी चैप्टर में पढ़ानी है बिजनेस के चैप्टर में, वो बात सारे चैप्टर्स के लिए अप्लीकेबल होगी लेकिन इससे मिलती जुलती बात शुक्र है हमने प्रॉपर्टी के चैप्टर में पढ़ ली हुई है तो इसलिए शायद 325 और 350 के ऊपर जब मैं बहस शुरू करूं तो अगर इनकम प्रॉपर्टी का चैप्टर आपका अच्छा है तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर में एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि घर का किराया जो आया और जो फेयर वैल्यू है विच एवर इज हायर वो इनकम में ऐड करते हैं। सिमिलरली आज कैपिटल गेन के चैप्टर के लिए एक बात सुन लें, उसने बाजार में बेचे कितने के, बाजार में बिक कितने के सकते थे, बिल्कुल उसी तरह 100% उसी तरह। घर का किराया आया कितना? 325। घर का किराया मार्केट में कितना आ सकता था? 350। व्हाट इज हायर? 350। तो 325 को हम इग्नोर कर देंगे, हायर को लेंगे ए। ए ए तो हो गई कंसिडरेशन और बी क्या लेनी है? अब कंसिडरेशन विल बी हायर ऑफ बोले एक्चुअल रिसीव। ये रूल हमने वैसे कैपिटल गेन के चैप्टर में नहीं पढ़ा कहीं लेकिन ये एक चैप्टर में आऊंगा और वहां बताऊंगा आपको कि ये कैपिटल गेन के चैप्टर में जाके इसको अप्लाई कर दें लेकिन इससे मिलता जुलता रूल शुक्र है हमने कहां पढ़ा हुआ है। अच्छा जी बेचा कितने का? अब चार सवालों के जवाब दे दें। अब्बू ने कितने का खरीदा? 250 का। जिस दिन बेटे को दिया कितने का था? बेटे ने आगे बेचा कितने का? बेटा बेच कितने का सकता था? पहले डिसाइड कर लेते हैं ए क्या है और बी क्या है, इन दोनों में से बता दें ए क्या है। 350 हायर ऑफ एक्चुअल और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। तो ये हो गया कंसिडरेशन ए। और व्हाट इज कॉस्ट? अब्बू की कॉस्ट लेनी है या बेटे को जिस दिन मिला उस दिन की फेयर वैल्यू लेनी है? इसको तो सिंपल 250 के साथ इग्नोर आप लिख लें, ये तो हमने पहली क्लास 2-3 दिन पहले पढ़ा था, इग्नोर करना है। और वो ऐसी कोई गेम नहीं है जो अजीब सी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी है, ऐसा कोई अरेंजमेंट तो नहीं लिखा हुआ, टैक्स अवॉइडेंस अरेंजमेंट वाली लाइनें तो नहीं लिखी हुई कोई, वो लाइनें अजीब सी थी, इनको छोड़ें। तो मोहतरम इसको तो आप क्या कर दें? इग्नोर। अब यार मुझे बता दें ए क्या है और बी क्या है? एक्सेलेंट, ए है 350 और बी 300। देखें इसको ब्रैकेट में लेके इसको 2500 से मल्टीप्लाई कर दूं साथ ही फारग हो जाए काम। 2500 से क्यों मल्टीप्लाई कर दूं? सेल माइनस कॉस्ट इनटू क्वांटिटी इनटू क्वांटिटी। 5000 शेयर्स पे गेन निकालने या जितने बेचे? जितने बेचे 2500 जी। आप बता दें 1,00,000। अब मैं देखूं ये होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा या नहीं? नहीं देखना होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा या नहीं चाचूज, ये सिक्योरिटीज का गेन है, ये तो सेपरेट ब्लॉक है, सेपरेट ब्लॉक का टेबल भी रह गया आज देखना था, अब अगली क्लास में देखना पड़ेगा। टेबल 12:30 वाला याद है? मैंने कहा था कल आपको बताऊंगा, वो कल पता नहीं कब आने, अब अगली क्लास में याद करा दीजिएगा, वो टेबल भी देखना सिखाने। अच्छा जी बता दें इस पे होल्डिंग पीरियड मैंने क्यों नहीं दिया? वैसे होल्डिंग पीरियड बता दें कितना है? होल्डिंग पीरियड ना अब्बू के खरीदने से नहीं काउंट होगा, होल्डिंग पीरियड यहां से जिस दिन इसको मिला। आशिक इनहेरिटेड दिस शेयर्स ऑन 2 जनवरी 2021। आशिक को किस इनहेरिटेंस में मिले?
अबू ने किस दिन खरीदे थे? जब अबू की कॉस्ट इग्नोर की तो अबू की डेट ऑफ परचेज भी इग्नोर कर दी। आप बताएं आशिक ने किस दिन खरीदे थे? 1 जनवरी 21 को। और आशिक ने किस दिन बेचे? कितना अरसा बीच में? 1.5 साल। लेकिन 1.5 साल को इग्नोर करें क्योंकि ये किसका गेन हम निकाल रहे हैं? सिक्योरिटीज। और सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूट गेन लॉस या टैक्स भी निकालना है? टैक्स भी निकालना है बंदा, पर गेन लॉस निकालना है ना। तो नंबर वन रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूट द गेन लॉस। पॉइंट वन किया या टू किया हमने? व्हाट इज द गेन? बताएं ना पहले सवाल का जवाब। कंप्यूट गेन जवाब बताएं। 1 लाख। दूसरा सवाल पढ़ें। करेक्ट हेड बताएं। करेक्ट हेड बताएं। इनकम कैपिटल गेन सिक्योरिटी सेपरेट ब्लॉक। इनकम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक। अगला सवाल, ऑल्सो आइडेंटिफाई वेदर द कंपनी इज पब्लिक और प्राइवेट। ये भी बताएं ये जो कंपनी है हमारी रूमी पब्लिक है या प्राइवेट है? बता दें ये रूमी क्या है? पब्लिक है। तो 3 सवाल इसने पूछे। नंबर 1 क्या पूछा है? गेन बताएं। नंबर 2 हेड बताएं। और नंबर 3 पब्लिक या प्राइवेट। और ये सवाल आप पढ़ लें। पॉइंट 2, व्हाट वुड बी योर आंसर इन वन अबव? ऊपर वाले में आपका आंसर कैसे बदल जाएगा? इफ 40% ऑफ द शेयर्स ऑफ आरपीएल वर हेल्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड 48% बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। 40% प्रोविंशियल ने, 48% ब्रिटिश ने और 12% इंडिविजुअल लोगों ने खरीदे हैं। आप बता दें क्या फेडरल गवर्नमेंट ने खरीदे, फॉरेन गवर्नमेंट ने खरीदे, किसी ऐसी कंपनी ने खरीदे जिसको फॉरेन गवर्नमेंट ने खरीदा है? आप बता दें इस सवाल का जवाब। वेदर द कंपनी इज पब्लिक और प्राइवेट। दूसरे सवाल का जवाब बताएं। कंपनी क्या बन जाएगी? पब्लिक, प्राइवेट? प्राइवेट। क्लियर। और दूसरे सवाल के अंदर मुझे ये बताएं कि गेन लॉस कैसे कैलकुलेट होगा? गेन लॉस, एक्सेलेंट। गेन लॉस कैलकुलेट करते हुए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि खरीदने और बेचने की तारीख के दरमियान 1 साल से ज्यादा का अर्स है। और गेन कौन सा होगा, सिक्योरिटीज का या नॉर्मल रिजीम का? नॉर्मल रिजीम का। नॉर्मल रिजीम का क्यों? क्योंकि ये कंपनी क्या बन गई? अब अगर प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचें तो बोलें क्या कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम होगा या सेपरेट रेट लगेंगे? नॉर्मल। और अगर पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेचें? सेपरेट लॉ। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन 7। एक मिनट देख लें। क्वेश्चन 7, ये गेन पहले में हमने 1,25,000 निकाला है और दूसरे में 1,25,000 को किससे मल्टीप्लाई किया? इसमें हेड कौन सा है? और इसमें कैपिटल गेन ही हेड है लेकिन सिक्योरिटीज। सॉल्यूशन देख के अब सारी चीजें देख लेंगे और कोई मसला तो नहीं। ओवर।